सूरज के बिना प्रकाश नहीं होता, चांद के बिना रात नहीं होता, बादल के बिना बरसात नहीं होता, और आप खेल प्रेमियों के ताली के बिना खेल का शुरुआत नहीं होता। सेमीफाइनल वाह मुकाबला, जो भी जीतेगा फाइनल में वो भी शीश गढ़ दो दी जा चुका है वहीं पर फाइनल का इंतजार करते हुए जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं फिलहाल दोनों टीम में। और मैं सीधा ले चलता हूँ देखे स्टेडियम पर सेमीफाइनल महामुकाबला। और जैसा कि टॉस जीता यहाँ पर हौदरी कप्तान पहला कोच का निर्णय रही है, डेट करने का मंत्र लिया था गोंडवाना एक्सप्रेस को लंबे कट के निर्णय रहे चलने मदद के निर्णय बोनस ओवर के साथ उमेश जर्सी नंबर 07 काले हाथ वापस पहना डेट है। क्या ये नियम जो प्रो कबड्डी का नियम है क्या डुबल डाई डेट में देखने को मिलेगा? खाता कौन सा जेब खोलता है फिलहाल यही सबसे बड़ा। लेकिन इस बार जर्सी नंबर 07 यंग स्टार देवेंद्र टीम के लिए जाने जाते हैं और काफी बेहतरीन ऑलराउंडर प्रदर्शन डिफेंस रेट दोनों कोच पर आते हैं। दूसरी रेट कर रेट लेकर चले सचिन जर्सी नंबर 05 है बोनस के साथ रेट करते हुए सात डिफेंडर कोच पर और सेंटर खिलाड़ी को पंच किया था बाएं पैर का इस्तेमाल किया था घटा और कावर पॉइंट आ चुका है पॉइंट का देंगे तो नीचे तीर से निकले होता हुआ दोनों का स्कोर बोर्ड पर 1-1 बराबर कांटे का मुकाबला। क्यों नहीं गुरु सेमीफाइनल वहां मुकाबला है जो भी गलती करेगा पछताना पड़ेगा इस टूर्नामेंट इस सूरज से। लेकिन फिलहाल खूबसूरत मुकाबला चलता हुआ ओदरीबाल के स्टेडियम पर सेमीफाइनल वहां मुकाबला प्रो कबड्डी प्रतियोगिता 2024 का मुकाबला चलता हुआ बिल्कुल यह तादाद ताली बजते हैं कोई भी खिलाड़ी अगर प्रदर्शन करता है फिलहाल दोनों उधरी तो पूरा ग्राम है बिल्कुल मात्र शक्ति मित्र शक्ति मेरे धन्य मन बाल गोपाल। और जी हाँ रेलगाड़ी का हरण आ चुका है करो या मरो का स्थिति पर इस बार फिर को फंसेंगे जर्सी नंबर 10 से काटी कट छोटा लेकिन छोटा पटाखा बड़ा धमाका देना होगा नीचे के रिक्स के साथ रेड करते हुए लेकिन ये नहीं सफर के साथ दो पॉइंट के साथ आगाज करती है यहाँ पर छोटा पटाखा बड़ा धमाका। अब यहाँ पर देख रहा होगा गोंडवाना एक्सप्रेस को जिस तरह उनका एक्सप्रेस चलता है खेल के माध्यम से कब कौन सी खिलाड़ी पंच कर दे रेड कर दे सुपर रेड कर दे ये जाना नहीं जाता लेकिन खूबसूरत मुकाबला और बेहतरीन खिलाड़ी दोनों खेमे पर मुकाबला पहला सेट का मुकाबला चलता हुआ उधरी बना हुआ गोंडवाना एक्सप्रेस बोर्ड के 3-4 का भाग दौड़ पहला सेट का मुकाबला सेमीफाइनल। अब चले तो नीचे थी बबलू और सचिन के बीच में जंग है दोनों अपने अपने आन बान और शान के लिए यहाँ आमने सामने युद्ध करते हुए दोनों अपने अपने ग्राम के लिए जिस तरह गुड़की जाने जाते हैं और जिस तरह उधरी जाने जाते हैं तो नीचे थी बबलू और सचिन के जंग दिखती पड़ता है। फिलहाल बड़ा शिकार किया है यहाँ पर राइट कार्नर के डिफेंडर को निशाना लगाया बबलू जब तक अगर सचिन कोच पर नहीं होंगे तो लगातार खतरा का बादल बन रहेगा। फिलहाल डॉटा रेट के साथ रेट करते हुए गोंडवाना एक्सप्रेस से आगे है गोवा पीछे है काई और राइट कार्नर के डिफेंडर द्वारा लाजवाब डिफेंस देखने को मिला और दो डिफेंडर कोच पर यहाँ गोंडवाना एक्सप्रेस क्या है अपने आन मान और शान को बचाएगा। फिलहाल काले बादल बन रहा हुआ आसमान पर आलोक का खतरा बन रहा हुआ टैकल करने की कोशिश लेकिन नहीं गुरु कोई सपोर्ट नहीं हो 1 पॉइंट का इजाफा बनता हुआ बद्री को और टाइम आउट कप्तान परिवर्तन किया जा रहा है।
अब चले हेमराज बरादी, काफी कमाल का डीजल जाने जाते हैं गुडवाना एक्सप्रेस के लिए। देखे थे अभी अभी अपना जगह बनाया है टीम पर, लेकिन औरदा उनका प्रदर्शन है। 30-35 मैच खेलने का उनका अधिकार दे अपने गाड़ी की गेयर को बदलना पड़ेगा गोंडवाना एक्सप्रेस को। आप अपने लय पे आना होगा, अपने फॉर्म पे आना होगा। जिस तरह की यहाँ बबुल चल रहे हैं उसी तरह सचिन को चलना होगा, तभी नैया पार लग सकता है गोंडवाना एक्सप्रेस है। और दोनों के बीच में जगह चिड़चुका है फिलहाल। कांटे का मुकाबला, निचिताओं का मुकाबला, कुछ कहा नहीं जाता। 2-3 का मुकाबला अब नीचे थी सचिन है, ये लीडर है सचिन है, जर्सी नंबर 05 है। ये देखिए इशारा लगाया लेफ्ट कॉर्नर के डबल डिफेंडर को, और यहां गजेंद्र जाएंगे कोर्ट से बाहर। तो वन टच पॉइंट के साथ स्कोर में इजाफा, 3 रनों का भाग दौड़। सेमीफाइनल महामुकाबला, कांटे का मुकाबला और कस्बा कश मुकाबला, और जो भी बेहतर प्रदर्शन करेगा वो फाइनल में सीधे। लेकिन क्या बात है भाई, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंजता हुआ। 1:07 समय शेष है। हेलो जी, आपको जी थोड़ा सा समय तक बता दीजिए, क्या बोल रहा है धन्यवाद मरकाम जी। काफी दबाव महसूस कर रहा है उसकी टीम, जबकि बहुत अच्छे टीम से सजा हुआ टीम है दोनों की टीम। उधरी वैसे सुमर की 12-3-12-3 में मैच चलता है, अभी विचार करें फिर रेट करते हैं बबलू। जबकि बबलू जब तक कोर्ट में रहेंगे ओवर नहीं देंगे मुर्की टीम को, ये पक्की बात है। अब देखना होगा बबलू क्या करते हैं, अभी भी ऑन आउट का एक मौका मिल सकता है उधरी कोर्ट से। जबकि काफी पिछड़ता हुआ मुर्की टीम, काफी दबाव में ऐसा लगता है लड़खड़ाता हुआ टीम मुर्की, जबकि शानदार रेड करते हैं सचिन मराठी। अभी वो बाहर है, इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि बबलू बहुत अच्छे से सूझबूझ के साथ यहाँ रेड करती है, 7 यहाँ रेड करते हुए। उमेश बोनस यहाँ ऑन है, पर बोनस से मौका बनेगा नहीं, क्योंकि काफी नंबर से यहाँ आगे निकल चुका है बल्कि उधरी टीम 12-3-12-3 में चलता हुआ। देखना होगा उमेश क्या करते हैं टीम के लिए, हैंड टच तो की करने का प्रयास जरूर किया और यहाँ समय समाप्त हुआ। पहला सेट समाप्त होने के बाद स्कोर बोर्ड में लिखा जोखा देखा जाए 12-3-12-3 हो गए चलते हो, काफी अंकों से आगे निकल गए हैं यहाँ उधरी। और फर्स्ट सेट यहाँ समाप्त होने के बाद दूसरा सेट जब यहाँ शुरू होगा तब यहाँ समझ में आएगा क्या हो सकता है। द्वितीय पारी खेल प्रारंभ होने की स्थिति पर आ चुका है हमारे टाइम कीपर यश स्कोर लाइन में, नो टाइम गेम स्टार्ट। सीधा निकलता उधरी मालकी स्टेडियम पर, जहां से आप देख रहे हैं फरकोबंदी प्रतियोगिता 2024 से सेमीफाइनल महामुकाबला। 4 डिफेंस के साथ रेट करते हुए फिलहाल यहां पर नीचे से यहां वापसी की जरूरत पड़ता है गोंडवाना एक्सप्रेस को, और रनिंग हैंड टच ही सारा चुका है 1 पॉइंट के बढ़िया रेट के साथ। बेहतर फाइट मिलता हुआ यहाँ पर दिलते पानी में पहला फाइट का इजाफा बढ़ता हुआ उधरी को, तो काफी मजबूत स्थिति की ओर बढ़ता हुआ उधरी अपने होम ग्राउंड पर। लेकिन जी हाँ बेहतर यहाँ दे दे रनिंग हैंड टच 1 पॉइंट के गोंडवाना एक्सप्रेस 4-13 का भाग दौड़। तो ये लीडर को, ये खिलाड़ी को, ये शेर को बाहर करना होगा सचिन को, तभी काम बनेगा यहाँ गोंडवाना एक्सप्रेस को। शेर के सामने शेर बनना पड़ेगा, चट्टान के सामने चट्टान बनना पड़ेगा, तभी काम बनेगा यहाँ पर गोंडवाना एक्सप्रेस को। कहते हैं ना खिलाड़ी के सामने खिलाड़ी ही बनना पड़ता है, जब जब मन चंगा हो तो कठौती भी गंगा, और उसी के साथ सचिन चले। और नीचे थी सचिन और बबलू का जग देखते ही बनता है जिगरो। गोंडवाना एक्सप्रेस ये बुड़की है, और जैसे हमारे बड़े भाई जिक्र कर रहे थे कि यहाँ वापसी की जरूरत है गोंडवाना एक्सप्रेस को, 4-3 का भाग दौड़ चल रहा है फिलहाल, और 1 पॉइंट का इजाफा जरूर बना है। जीत से आप
वाह भाई कितना बड़ा फराया है हमारे कबड्डी बॉक्स पर आदरणीय दिलीप श्याम जी द्वारा समस्त खेल प्रेमियों को चाय का व्यवस्था किया जा रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा दें ऐसे हमारे दान दानियों के लिए कि सभी के लिए चाय का व्यवस्था कर रहे हैं। और क्यों नहीं गुरु, समय ही सोना है और बेहतर टच किया है, खूबसूरत पॉइंट रनिंग हेड टच वन पॉइंट है गोडवन एक्सप्रेस। इसी के साथ 5-13 का भाग दौड़ और रेलगाड़ी का हॉर्न आ चुका है और कहते हैं मेरे दोस्त लहरों से डटकर नौका पार नहीं होता और कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता। फिलहाल कस्मा कस मुकाबला गोडवाना एक्सप्रेस वना मोदरी नीचे की आपको अगर इतिहास रचना है तो पसीना बहाना पड़ेगा। फिलहाल 5 दिवस के साथ खूबसूरत देश यहाँ पर रेडर आउट चिटी कोशिश किया सफल हुए और एक पॉइंट का इजाफा बना। एक कदम आगे और आया 6-13 का भाग दौड़ अब सिर्फ 7 कदम आगे चल रहा है। फिलहाल द्वितीय पाली पर खूबसूरत वापसी नजर आ रहा है यहाँ पर गोडवाना एक्सप्रेस। सचिन ये है जवाब, ये है योद्धा, ये है शेर गोडवाना एक्सप्रेस और सचिन और बबलू के बीच में जो जंग है ये देखिए। लीजिए ताली बजना चाहिए साथियों, ताली बजना चाहिए, आपको एक बेहतर मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि सचिन और बबलू की लड़ाई है आन बान और साल क्या मुदरी बना। ये देखिए कौन सारा जगह पाए लेफ्ट कॉर्नर पर और यहाँ आ चुका है सुपर टेकल सचिन चले जबाज योद्धा शेर के सामने सवा शेर के लिए जाने जाते हैं सचिन। फिलहाल टच किया सेंटर के खिलाड़ी को निशाना दबाया खूबसूरत रनिंग टच वन पॉइंट और इसी के साथ स्कोर 8-13 का भाग दौड़ कांटे का मुकाबला टक्कर का मुकाबला सेमीफाइनल वहां मुकाबला सबके दिल जीतता हुआ मुकाबला सबका धड़कन बढ़ता हुआ मुकाबला उदरी की समझते बिल्कुल मौका मिला बेहतरीन टैकल और नीचे थे आउट का खतरा बढ़ चुका है यहाँ पर उदरी टीम को। 2:42 समय से इसे अगर समय का जिक्र किया जाए फिलहाल परिणाम जैसा भी हो लेकिन कांटे का मुकाबला चलता हुआ सेमीफाइनल मुकाबला क्यों नहीं गुरु अहम मुकाबला है इसके बाद जो भी जीतेगा सीधे फाइनल बाजी और इसी के साथ ऑल आउट होता हुआ यहाँ पर उदरी तो निश्चित ही उलट पुलट किया है यहाँ पर गोडवाना एक्सप्रेस ने उलट पुलट करते हुए पॉइंट पर यहाँ पर ऑल आउट के साथ है। ओहो 13-12 का मुकाबला कड़ी मुकाबला अब क्या करेंगे बबलू छे बदल के 90 गज के रीडर जाने जाते हैं 7 डिफेंस के साथ रीड करते हुए बोनस के साथ रीड करते हुए लेकिन मैं कहना चाहूंगा अगर इस तरह की गलती करेंगे तो गलती का खमियाजा सबको भुगतना पड़ेगा टीम को भुगतना पड़ेगा क्योंकि आप दोनों जीत की ओर जा रहे हैं दोनों का तराजू की तरह में अगर तोड़ा जाए जीत के लिए तो कड़ी भी चलते हुए फिलहाल द्वितीय पाली का मुकाबला 14-12 का भाग दौड़ सेमीफाइनल मुकाबला और डिफेंस करने की कोशिश टेकर करने की कोशिश लेकिन जी नहीं कोई नुकसान नहीं कोई खतरा नहीं अभी भी स्कोर 14-12 का भाग दौड़। अब चले 90 गज के लीडर है बबलू तो नीचे थी दोनों ही योद्धा बबलू बनाम सचिन है क्या शानदार जग देखने को मिल रहा है सबके दिल मन मुग्ध हो गए और मैं तो यहाँ से कह रहा हूँ आप सभी खेल प्रेमियों की ताली बजाते रहिए एक जोरदार खेल देखने को मिलेगा आपको चाहे परिणाम जैसा भी हो। एक मिनट 6 सेकंड समय शेष देखे जाएंगे अंतिम समय का मुकाबला सचिन चले हैं लेफ्ट कॉर्नर पर बोनस ऑन के साथ रेच करते हुए सातों डिफेंडर कोर्ट पर द्वितीय प्रकाश रोशनी के साथ खूबसूरत मुकाबला चलता हुआ फिलहाल
मजबूरन किया सचिन ने, इसी के लिए जाने जाते हैं सचिन। फिलहाल पटाम 13-14 का भाग दौड़, 37 सेकंड समय शेष है, तो 37 सेकंड के अंदर है। बहुत ही खूबसूरत मुकाबला चलता हुआ प्रो कबड्डी प्रतियोगिता 2024 उदयपाल के स्टेडियम पर, ठीक दुधिया प्रकाश रोशनी के साथ हमारा स्टेडियम जगमगाता हुआ। आतिशबाजी हमारे खेल प्रेमियों द्वारा दोनों टीमों को समर्थन लगातार देते हुए, फिलहाल लंबे कद के लीडर बबलू चले, जबाज योद्धा और निश्चित यहाँ वाल चाल इनके कंधों पर कुर्बान, और क्या लेफ्ट कर्नर पर निशाना जमाते हुए 14-13 का भाग दौड़, करीब समय का मुकाबला चलता हुआ, खूबसूरत मुकाबला, सेमीफाइनल का मुकाबला, सब चक्कर गए थे। टाइम आउट का इशारा आ चुका है कप्तान का और अंपायर के लिए थोड़ा सा सवाल, थोड़ा सा अपील किए थे कप्तान यहाँ पर बबलू। तो समय 4 सेकंड समय से नीचे अंतिम रेड होगी, इसके बाद समय समापन हो जाएगा, खेल समापन हो जाएगा। फिलहाल 14 पर चलता हुआ मुड़के अंतिम रेड 4 सेकंड है ये, और चले सचिन है, क्या होगा परिणाम, क्या होगा निर्णय, क्या होगा रिजल्ट। 13-14 का मुकाबला, सचिन लेफ्ट कॉर्नर पर छह डिफेंस के साथ रेड करते हुए सेमीफाइनल वहा मुकाबला, अंतिम समय का मुकाबला आप देख रहे हैं, और जो भी जीतेगा वो सीधे फाइनल इंतजार कर रहा है शीश घाट दूधे। लेफ्ट कॉर्नर पर करीब गए थे, काफी अंदर आ चुके थे, और टाइम आउट। और फाइट का इजाफा आ चुका है, और इसी के साथ लंबा विशेष समय समापन।